हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाई चरफा। आज हम आपके लिए लेके आया है बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे चने और पोहे से। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए नया होगा, लेकिन आप एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन चख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि चने में पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, वेट ने हमने लिया 150 ग्राम चने, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे अच्छे से भिगो दिए थे और फिर उसके बाद सारा पानी रिमूव कर लिया है। अगर आपके पास चने ना हो तो आप इसकी जगह पे चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी पोहा, जिसको चूरा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मोटा महीन जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो वेट में हमारा पोहा सिर्फ 5 ग्राम है, क्योंकि काफी ज्यादा लाइट वेट होगा, और नाप में तो आपको बता ही चुके हैं, कटोरी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया, अब इसमें डालेंगे सिर्फ 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर अपना हम पोहा ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पोहे को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, क्योंकि हम इसको भिगोने वाले नहीं है तो पोंछना जरूरी है, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगा और काफी बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी रेसिपी में। तो ये स्टेप आप फॉलो करना मत भूलना डियर। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, बस इतना ही भूनना है, काला नहीं करना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। इस तरह से जब आप इसको पकड़े तो ये बिल्कुल इस तरह से चूरा चूरा हो जाए, ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हो चुका है। आप चाहे तो इसको हाथ से मसल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप मेरी तरह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम फटाफट इसको ट्रांसफर करेंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो हाथ से मसलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इससे काम आसान हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पानी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमें ड्राई पीसना है। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से दरदरा पीस गया है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं होता है क्योंकि ये पोहे का है। इस तरह से आपको हल्का हल्का सा इसके दाने महसूस होंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा दाने लगे तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप ठंडा करके पीसेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से पिस जाएगा। अब इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको हम साइड में रख देंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद ये जो चने हैं, जिसको हमने अच्छे से भिगोकर पानी इसका निचोड़ लिया, सिर्फ चना चना इसके अंदर डालेंगे। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप चने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ चना चना ट्रांसफर किया, पानी मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। पानी आपको भी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम चने को फूलने के लिए रखेंगे तो इसके अंदर पानी अपने आप आ जाता है, उसी पानी से ये पिस जाएगा। अब इसमें हम 5 से 6 कलियां लहसुन की डालेंगे, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, अदरक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, अगर आप लोग मेरी तरह थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते तो 2 डालेंगे तो मजा आ जाएगा खा के। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर साबुत जीरा, तो जीरे का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 7 से 8 मेथी के दाने, जो आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 3 हम डालेंगे कड़ी पत्ते सूखे वाले, 3 से 4। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना या हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हो तो जरूर डालना। अब इसको कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया था तब भी ये बिल्कुल अच्छे से पीस गया है, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद था। ये देखिए, आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका ये जो पेस्ट है वो पतला हो जाएगा, फिर आप रेसिपी बना नहीं पाएंगे। अब चलते हैं हम आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली, अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, अदरक जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां, अगर आप ज्यादा लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन की मात्रा को कम कर सकते हैं, अगर आप लहसुन खाते नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम दही निकालना है। तो यहाँ पे हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे, तो जिसके बीज हम निकाल लेंगे, नींबू का रस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा जरूर डालना है, इसको हल्का सा तावे पे भून के डालना है, कच्चा जीरा नहीं डालना है, लेकिन जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब बिना पाई डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बिना पानी डाले हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अगर आप पानी डालेंगे तो अच्छा सा इसकी थिकनेस नहीं आएगी, पतला हो जाएगा। और ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए चटनी को आपको इस तरह से थिक रखना है, और यहाँ पे आपको चटनी को बहुत ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं, एक से दो बार मिक्सी को चला कर रोक देंगे तो इस तरह से दरदरा होगा, दाने दानेदार, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कलर देखिए कितना प्यारा आया है, आपका भी कलर ऐसा आएगा अगर आप मिक्सी को रोक रोक के चलाएंगे। अगर लगातार चला लेंगे तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा और चटनी का जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से दाने दानेदार जब चटनी बनाते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आलू लिया है, आलू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे, आलू को उबालने का कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका आलू छोटा है तो आप दो ले सकते हैं, और इसको हम इस तरह से ये वाले नाइफ से छील लेंगे तो इससे काम बहुत ही आसान होता है। किस किस के पास ये वाला नाइफ है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, नहीं है तो खरीद लो, बहुत ही आसानी से आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन मत खरीदना, नहीं तो डिलीवरी चार्ज ही इस नाइफ से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आलू को छील के मैंने तुरंत पानी में डाल दिया था। अब ये वाला ग्रेटर जो मोटा वाला होता है सबसे साइड, इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। पानी में ही लच्छे ग्रेट करेंगे तभी आपके लच्छे काले नहीं पड़ेंगे। अगर आप लच्छे को ऐसे ही ग्रेट करेंगे तो लच्छे बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है इसको ग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है सारे। अब जैसे हम चावल को धुलते हैं उसी तरीके से हमें आलू को भी धुलना है, और जितना भी इसका स्टार्च होता है वो हमें निकालना है। तो 3 से 4 वाटर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और ये जो पानी है इसको फेंकना मत, आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके डार्क सर्कल है तो आप इसको डार्क सर्कल पे अप्लाई करना, आपके जो डार्क सर्कल है 2 से 3 दिन में ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, तो लच्छे कितने खिले खिले से और कितने सफेद हो गए हैं, आपके भी ऐसे ही हो जाएंगे। और ये स्टेप आप फॉलो करना मत भूलना, इससे ही आपका जो नाश्ता है वो काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे वापस से गैस की तरफ, यहाँ पे पैन लेंगे, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तक ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा 1/2 टीस्पून तक हम डालेंगे इसके अंदर जीरा, और 2 से 3 पिंच डालेंगे हींग। हींग जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 10 से 15 सेकंड दोनों चीजों को चटकाने के बाद अपने हम आलू के लच्छे इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पर। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। यहाँ पे हमें इसको पकाना नहीं है, बस 2 मिनट तक भूनना है, भूनने से अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से भून लिया है, ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने लगी है 2 मिनट के बाद। अब एक मीडियम साइज की प्याज जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली है इसको भी डाल देंगे। प्याज को हम सिर्फ 10 सेकंड तक भूनेंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं। तो ये देखिए 10 सेकंड हो चुके हैं, प्याज को हमें पकाना नहीं है। अब इसके बाद ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था इसको हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा, और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि जले ना। ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब लो फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि दाल का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, जो चना हमने पीसा है, सॉरी दाल बोल दिया, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक, और इसी के साथ हमारे जो लच्छे कुक नहीं हुए वो भी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आटे के फॉर्म में आने लगा है और कलर इसका हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। और ये सारा प्रोसेस आपको धीमी आंच पर करना है। अब इस पे 1 बड़ी गिलास आप पानी डालेंगे, सिर्फ 1 बड़ी गिलास, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको डालने के बाद हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इस तरह से हल्का हल्का सा बॉईल आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, 1/2 चम्मच हम कटी हुई सारी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तक नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, 1/4 चम्मच तक। ये मीठा बिल्कुल ही नहीं करेगा बल्कि सारे फ्लेवर को बैलेंस कर देगा और एक अच्छा सा कलर लेके आएगा नाश्ते में। अब इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेल भी बोलते हैं, इसको डालने से बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, कलौंजी और मगरेल मुझे पता है। अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफेद तिल, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा।
अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे उड़द की धुली हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक तिल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून तक। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक चम्मच भरकर डालेंगे हम चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये जो हमारा पाउडर हमने बना के रखा था पोहे का, ये इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे, एक साथ डाल के नहीं मिक्स करेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको भून के रखा है, तो हमें सिर्फ इसको मिलाना है, पकाने की जरा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा और डाल देंगे। तो तीन बार में हम डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो यहाँ देखिए दो बार मिक्स कर लिया, बाकी बचा हुआ हम सारा एक साथ डाल देंगे, बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं। अब इस सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे तो आसानी होगी, मेरा देखिए छोटा पड़ गया, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको हमें मिलाने में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा सा लीजिए और इसको आप हल्का सा गोल कीजिए। तो ये देखिए गोल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, हो रहा है गोल ना। बस इतना ही पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसको हम निकाल कर हल्का सा ठंडा करेंगे, गर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरा धनिया को पका कर मत डालना, उससे उसका लुक टेस्ट दोनों बेकार हो जाता है। तो आप इसको हल्का सा जब गर्म हो तो डाल देना, इसी के हीट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि हरा धनिया को ज्यादा पकाया नहीं जाता है। और अब इसको हम हल्का सा और ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कोई भी बर्तन ले लीजिए या फिर बटर पेपर ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, और इसके ऊपर सारा मिश्रण हम ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम शेप देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं कौन सा दूंगी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इसको टच करने से पहले आप थोड़ा सा ऑयल जरूर अप्लाई कर लेना, ताकि ये चिपके ना। ये देखिए, और इसको अच्छे से अपनी हथेली पे लगा लेना। अब आप जब इसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके हाथों में लगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको एक मोटा सा गोल शेप दूंगी। आप चाहे तो इसको थाली में भी जमा सकते हैं या फिर ट्रे में भी जमा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको गोल बनाना है। तो जितना मेरे हाथ से बन पाएगा मैं उतना बना लूंगी, अगर परफेक्ट नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अपने हिसाब से गोल बनाने की कोशिश की है, गोल बना है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डियर। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से 5 मिनट के बाद कूल हो चुका है। अब हम कटर में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नाइफ पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, जो आपके पास हो उससे आप काम चला लेना। इसको इस तरह से कट करूंगी, ये देखिए थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो मुझे ये काम बहुत पसंद है कट करने वाला, किस किस को मेरी तरह कट करने में बहुत मजा आता है कमेंट बॉक्स से जल्दी से लिखना। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको आराम से निकाल लीजिए, इसके लच्छों को आप थोड़ा सा सही कर लेना। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा परफेक्ट हो गया रेडी। आप इस तरह से बना के इसे हवा भर डिब्बे में रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं सारे। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने इस तरह से निकाल लिया, चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन में मैंने तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे स्लो फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे देखिए तेल जब बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म हो जाएगा, इस तरीके से अपने नाश्ते को डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और एक साथ इतने ही डालने जितने की पलटने में दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पे 3 डाले हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। अब इसको 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, अब हम इसको आराम से टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चिमटे का इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छे से आप इसको टर्न कर पाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से टर्न कर दीजिए और दूसरे साइड से भी आप इसके 2 मिनट पकाइए। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, तीनों मैंने टर्न कर दिए हैं। अब इसे दूसरे साइड 2 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो टोटल इसे बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा डियर।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, चलिए दिखा देते हैं। दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इस तरह से हम इसको साइड में रखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा सोनापन होता है इसमें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि ये चने से बना है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है, दूसरी बात लाइट वेट है, तीसरी बात प्रोटीन से भरपूर है, ऊपर से क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है और बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और इस वाली ग्रीन चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसी लगी आपको चटनी की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये मेरे घर का केचप है जो मैंने तैयार किया है और इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी अगर आप कमेंट करेंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूं एंजॉय करने। आप भी इस रेसिपी को बनाइए जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और बच्चे वैसे तो चने खाते नहीं तो आप इस तरह से चने उनको खिला सकते हैं क्योंकि चने में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।